हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मिलनर मुल्ली वर्सेस इंडियन सुपर्स के बीच में। एंड अगर आपको नहीं पता कि मिलनर मुल्ली कौन है तो इस वीडियो को एंड तक तो जरूर ही देखना, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन है मिलनर मुल्ली एंड क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड क्या ये पोटेंशियल रखता है इतना कि ये अकेले ही डिफीट कर दे पूरी की पूरी इंडियन सुपर हीरो टीम को। और एक नए इंडियन सुपर हीरो की इंट्रोडक्शन भी इस वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो यस, वीडियो को तो यार एंड तक जरूर ही देखना, सुनना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन आई बी योर सुपर हीरो? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं मिन्नर मुल्ली वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज की, पर पहले जान लेते हैं मिन्नर मुल्ली की पावर्स एंड ओरिजिन को। तो अगर आपने अभी तक मिन्नर मुल्ली मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। कुछ चीज़ें मुझे इस वीडियो में बतानी पड़ेगी, बट डोंट वरी, अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो वो आपके लिए उतने भी कुछ खास स्पॉयलर्स नहीं होंगे। तो यस, अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है और आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा या फिर कुछ ऐसे खास स्पॉयलर्स नहीं दूंगा जिससे आपका मजा स्पॉयल हो जाए। सुनाओ, अब बात करते हैं मिन्नर मुल्ली की ओरिजिन के बारे में। तो जो मिन्नर मुल्ली है उसे पावर्स मिली थी तब जब एक एक्सीडेंट के थ्रू उस पर बिजली गिर जाती है, एक्सीडेंटली उस पर बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से वो बन जाता है एक सुपर हीरो। अब हाँ, ये कॉन्सेप्ट कुछ द फ्लैश से मिलता जुलता है, बट अगर आपने मिन्नर मुल्ली मूवी देख ली है तो आपको पता होगा कि दोनों का कॉन्सेप्ट एंड पावर्स अलग अलग है, स्टोरी भी बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है दोनों की। तो जो मिन्नर मुल्ली है उसके पास बाकी सुपर हीरोज के जैसे पावर्स है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सेट्रा। बट यहाँ पर जो मिन्नर मुल्ली की स्पेशल एडवांटेजेस है वो कुछ इस तरह से कि वो टेलीकाइनेटिक पावर्स का यूज भी कर सकता है जो उसके पास है। अब हाँ, स्टार्टिंग में उसे पता नहीं था कि उसके पास ऐसी पावर्स भी है या फिर उसे यूज करनी नहीं आ रही थी, बट मूवी के एंड में वो इन पावर्स का यूज कर लेता है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि इन पावर्स की मदद से वो बिना किसी चीज को छुए भी उसे उठा सकता है, उसका यूज करके किसी पर अटैक भी कर सकता है, जिसकी वजह से जो मिन्नर मुल्ली है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है एंड ये चीज उसे काफी खास एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं मिन्नर मुल्ली वर्सेस इंडियन सुपर्स की। सो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से जो कि होने जा रही है मिन्नर मुल्ली वर्सेस क्रिश के बीच में। सो पहले तो बात कर लेते हैं हम मिन्नर मुल्ली की। तो मिन्नर मुल्ली के बारे में मैंने बताया उसकी ओरिजिन एंड पावर्स एडवांटेजेस के बारे में, पर अगर यहाँ पर बात की जाए क्रिश की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो वो आप सभी को पता ही है एंड क्रिश के पास कौन कौन सी एडवांटेजेस है ये भी आपको पता ही होगा। बट ओवरऑल अगर इन दोनों की बैटल की बात की जाए तो यहाँ पर जो मिन्नर मुल्ली है उसके पास क्रिश से सिमिलर पावर्स है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड है एंड ड्यूरेबिलिटी है। बट यहाँ पर जो मिन्नर मुल्ली है उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी नहीं है एंड अगर है भी तो मूवी में नहीं दिखाई गई है। बट यहाँ पर जो क्रिश है वो फ्लाई कर सकता है एंड उसकी स्पीड मिन्नर मुल्ली के मुकाबले में ज़्यादा है। पर यहाँ पर जो क्रिश है उसके पास सिर्फ यही दो एडवांटेजेस है, बट यहाँ पर जो मिन्नर मुल्ली है उसके पास क्रिश के मुकाबले में ज़्यादा एडवांटेजेस है बैटल को जीतने की। अब कैसे? सबसे पहले तो ये कि जो मिन्नर मुल्ली है वो बिना किसी चीज़ को छुए उसे कंट्रोल कर सकता है या फिर उसका यूज़ करके क्रिश पर अटैक भी कर सकता है एंड यहाँ तक कि वो क्रिश को रोक भी सकता है बिना उसे हाथ लगाए। तो यहाँ पर जो मिन्नर मुल्ली है वो क्रिश के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब ऐसी कुछ पावर्स, फोर्स फील्ड क्रिएट करने की पावर्स क्रिश के पास भी है, बट वो सीमित है, मतलब मिन्नर मुल्ली के मुकाबले में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग एबिलिटी नहीं है कोई क्रिश के पास कि वो डिफीट कर दे मिन्नर मुल्ली को। एंड मिन्नर मुल्ली अपने इन्हीं पावर्स एंड एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन के चलते क्रिश को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मिन्नर मुल्ली है वो जीत जाता है। सो मिन्नर मुल्ली विंस बैटल। नेक्स्ट सेकेंड बैटल, मिन्नर मुल्ली वर्सेज रोबोट।
तो जो ये बैटल है इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो रोबोट है या फिर ईवर रोबोट है या कहें हम चिट्टी, वो आता है मिन्नम मुल्ली से फाइट करने, तो ऐसे में सोलो बैटल में मिन्नम मुल्ली उसे डिफीट कर देगा। अब यहाँ पर अगर रोबोट अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेके आ जाता है तो सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो मिन्नम मुल्ली है अगर वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करे तो वो पूरी की पूरी रोबोट की आर्मी को डिफीट करने का पोटेंशियल भी रखता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मिन्नम मुल्ली है वही जीतेगा। सो मिन्नम मुल्ली विंस। बैटल नंबर नेक्स्ट या फिर बैटल नंबर 3, मिन्नम मुल्ली वर्सेज जीवन। सो ये जो बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग बैटल है, क्योंकि जो मिन्नम मुल्ली है उसकी जो पावर्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है एंड उसके पास एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। बट जो जीवन है वो उसके मुकाबले में कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि जो मिन्नम मुल्ली है वो अगर डिफीट भी करना चाहे जीवन को तो नहीं कर सकता। एंड जो जीवन है उसके पास भी मिन्नम मुल्ली की तरह ही कुछ स्पेशल एडवांटेजेस है, जैसे कि जो जीवन है वो फोर्स फील्ड को उतने हाई स्केल पर क्रिएट तो नहीं कर सकता बट एनर्जी ब्लास्ट कर सकते हैं एंड ग्रेविटी कंट्रोल की पावर्स को होल्ड करता है, जिसकी वजह से जो जीवन है वो एक टफ अपोनेंट बन जाता है मिन्नम मुल्ली के लिए। एंड जो जीवन है उसकी जो एनर्जी एंड पावर का सोर्स है वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है बैटल में जो जीवन है वो, अगर ये बैटल लंबी चलती है तो जीवन जो है वो लैक ऑफ पावर सोर्स की वजह से डाउन हो सकता है, नॉकआउट हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बैटल काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल तक जाएगी एंड इनकी जो बैटल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। बट जो मिन्नम मुल्ली है उसके पास कई सारी ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, खासकर एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है, जिसकी मदद से वो जीवन को काफ़ी हद तक डैमेज दे देगा। पर जो जीवन है जैसा कि आप सभी को पता है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर जाएगा। तो ऐसे में कंक्लूजन इस बैटल का यही निकल कर आता है कि जो मिन्नम मुल्ली है वो फुल्ली डिफीट नहीं कर सकता किसी भी हालात में जीवन को, चाहे जीवन का एनर्जी सोर्स बिल्कुल डाउन भी हो जाए तब भी जो मिन्नम मुल्ली है वो पूरी तरह से नहीं हरा पाएगा जीवन को। बट हाँ, जो मिन्नम मुल्ली है वो जीवन को ओवर पावर करने का पोटेंशियल रखता है, जीवन के मुकाबले में ज़्यादा पावर्स को होल्ड करता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे विनर अगर किसी को चूज़ करना है तो वो होगा मिन्नम मुल्ली। अगर आपको पिन कुछ और है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बट अभी के लिए मिन्नम मुल्ली विंस। बैटल नंबर नेक्स्ट या फिर बैटल नंबर 4, मिन्नम मुल्ली वर्सेस फ्लाइंग जेट। सो ये जो बैटल है अब ये टक्कर की बैटल है, क्योंकि जो मिन्नम मुल्ली है वो बेशक कई सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को पोजेस करता हो, समन कर सकता हो या फिर होल्ड करता हो, बट जो फ्लाइंग जेट है वो भी उसके मुकाबले में उतना कोई वीक नहीं है। उसके पास भी कई सारी ऐसी पावर्स एंड एडवांटेजेस है जिसके चलते वो यहाँ पर मिन्नम मुल्ली को डिफीट करने का पोटेंशियल भी रखता है सोलो बैटल में, क्योंकि जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी का लेवल मिन्नम मुल्ली के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अगर बात की जाए यहाँ स्ट्रेंथ की तो स्ट्रेंथ में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी को साइड किया जाए तो भी यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा एडवांटेजेस की बात की जाए तो दोनों के पास भर भर के हैं। इस वजह से यहाँ पर ये जो बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर की बन जाती है एंड इसे एक्सप्लेन करने में बहुत देर हो सकती है। तो इसी वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, बट अभी के लिए इस वीडियो को करना पड़ेगा यहाँ पर टाई। बट आप बताओ तब तक कमेंट बॉक्स में कि आपकी सबसे कौन जीतेगा। अभी के लिए ये बैटल हो गई है टाई एंड रहती है पीपल्स चॉइस पर। तो अब आप बताओ कि फ्लाइंग जेट जीतेगा या फिर मिन्नम मुल्ली, या फिर मिन्नम मुल्ली या फिर फ्लाइंग जेट। अगर इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो तब भी बता देना कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की या फिर बैटल नंबर 5 की, जो कि है मिन्नम मुल्ली वर्सेज सुपर सिंह के बीच में। अब जो ये वाली बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही बट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी होगी, क्योंकि जो मिन्नम मुल्ली है वो स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है एंड उसके पास काफ़ी सारी अदर एडवांटेजेस भी है, बट जो सुपर सिंह है उसके पावर लेवल एंड उसकी पावर स्केल को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है या फिर हाई लेवल का दिखाया गया है मिन्नम मुल्ली के कंपेरिजन में अगर बात की जाए। तो अगर बिना देरी किए इस बैटल का रिजल्ट मुझे बताना हो तो जो सुपर सिंह है वो मिन्नम मुल्ली के मुकाबले में हर पावर लेवल पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ज़्यादा आगे है, जिस वजह से यहाँ पर मिन्नम मुल्ली के पास बेशक काफ़ी सारी अदर एडवांटेजेस भी हो बट फिर भी यहाँ पर सुपर सिंह के ही जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो ऑब्वियसली मिन्नम मुल्ली वर्सेस सुपर सिंह के इस बैटल में सुपर सिंह विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, मिन्नम मुल्ली वर्सेस शक्तिमान।
सो ये जो बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर सभी को पता है कि जो शक्तिमान है उसके पावर लेवल विन्नर मुरली के मुकाबले में कितने ज़्यादा आगे हैं या फिर कितने ज़्यादा हाई है, और जो विन्नर मुरली है वो पावर्स के बेसिस पर शक्तिमान के आसपास भी नहीं आता है, या फिर जो विन्नर मुरली है अगर वो अपनी ट्रू फॉर्म को पोजेस कर ले और अपनी सभी शक्तियों को पूरी तरीके से ठीक से उपयोग करना सीख जाए एंड अपनी सभी एडवांटेजेस को जान जाए, तब भी जो विन्नर मुरली है वो बराबरी की टक्कर नहीं दे पाएगा शक्तिमान को। हाँ, कुछ डैमेज दे देगा, हार्म कर देगा थोड़ा सा, एंड थोड़ी देर के लिए शक्तिमान से फाइट कर लेगा, उसे रोक लेगा बस थोड़ी देर के लिए, बट फिर जब शक्तिमान अपने कुछ अदर एडवांटेजेस का यूज़ करेगा, अपनी शक्तियों का यूज़ करेगा, तब यहाँ पर जो शक्तिमान है उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड जीतने के चांसेस शक्तिमान के ही है यहाँ पर ज़्यादा विन्नर मुरली के मुकाबले में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए इस टॉपिक पर शक्तिमान विंस, विन्नर मुरली वैसे शक्तिमान में, विन्नर मुरली नहीं शक्तिमान विंस। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, नया कोई चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, हो सके तो वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर देना, और अगर विन्नर मुरली के अपोजिट में सारे के सारे इंडियन सुपर एक साथ आ जाते हैं तब भी यहाँ पर जो विन्नर मुरली है उसके जीतने के चांसेस तो है ही नहीं ऐसे में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंडियन सुपर हीरोज है, अगर सोलो बैटल की बात की जाए तो विन्नर मुरली ने काफ़ी सारे इंडियन सुपर हीरोज को हरा दिया है, बट अगर टीम बैटल की बात की जाए यानी कि एक तरफ विन्नर मुरली अकेला, दूसरी तरफ पूरी की पूरी इंडियन सुपर हीरोज की टीम, तो ऐसे में विन्नर मुरली नहीं जीतेगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सोलो बैटल में विन्नर मुरली इंडियन सुपर हीरोज की, कौन कौन से ऐसे इंडियन सुपर हीरोज हैं जिनको विन्नर मुरली सोलो बैटल में डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है एंड नहीं रखता है। तो अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, एंड जैसे कि मैंने कहा वीडियो हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी तो बस यार, अगर किसी टॉपिक का सजेशन हो तो दे देना कमेंट बॉक्स में, एंड आपके हिसाब से जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी टॉपिक का सजेशन है तो दे देना कमेंट बॉक्स में। बस मिलते हैं तो तेलुगु बैठेंगे, एंड बाय बाय। एंड मैं सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी पहले से वीडियो बनाने का, बट मेरे एग्जाम चल रहे थे और फिर जिस वजह से मैं विन्नर मुरली मूवी को नहीं देख पाया, तो बिना देखे तो इस पर वीडियो नहीं बना सकता ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मूवी देख लेते हैं। तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म जैसे ही हुए मेरे और अब मूवी देख ली है मैंने, तो सोचा वीडियो बना लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे मूवी अच्छी भी लगी है। आपने नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर देखना। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।